السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومسليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون معزز محترم ناظرين وسامعين दीनी और इस्लामी भाइयों आज के दर्स के लिए मैंने एक ऐसे अहम मौजू का इंतखाब किया है जिस मौजू को समझना हर दाई के लिए हर आलिम के लिए और हर उस शख़्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोगों को दीन की दावत देता है लोगों को भलाइयों की तरफ़ बुलाता है लोगों को बुराइयों से मना करता है और ये मौजू सही मानों में अगर कोई आलिम है कोई दाई है वो समझ जाए तो यकीनन बहुत सारी बुराइयों से वो अपने आप को बचा लेगा आज का मौजू है बेअमल दाई की बेअमल की मिसाल और इसके लिए मैंने सिलसिले अदीस सहीहा की एक रवायत का इंतखा किया है जिसके रावी जुंदब रज़ी तुह है बयान करते हैं कि महमदुर रसूल अल्ला वम ने इरशाद सरमाया मसल अलमी युमन्नासा नफ़सू कम शराज युज़ी अल्ला के नबी सल ने फ़रमाया उस आलम की मिसाल जो लोगों को इल्म नाफ़े सिखाता है भलाई की तालीम देता है और अपने आप को भूल जाता है उस आलिम की मिसाल जो लोगों को भलाई की तालीम देता है अच्छी बातों की तरफ लोगों को बुलाता है और अपने आप को भूल जाता है उस चिराग जैसी है जो चिराग अपने आप को तो जलाता है अपने लोगों को रोशनी पहुंचाता है लेकिन अपने आप को जलाता है कितनी फसी व बलीग मिसाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है इसको समझने के लिए हम मोमबत्ती को सामने रखें मोमबत्ती जब हम जलाते हैं उस शमा को जब हम जलाते हैं तो अपने आप को जला करके पिखला करके वो रोशनी मुहैया करती है मोमबत्ती के अंदर जो मोम होता है उसके जरिए आग के जरिए वो जलता रहता है लोगों को रोशनी फराहम करता है लेकिन वो खुद जलता रहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे आलिम की मिसाल जो लोगों को भलाइयों की तरफ बुलाता है लेकिन खुद भलाई पर अमल नहीं करता उस चिराग जैसी है जो चिराग लोगों को रोशनी तो दे रहा है लेकिन अपने आप को जला रहा है और क़ुरानी मजीद में सूरह सफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में बड़ी नाराजगी का इजहार किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहल लजीना आमनु लिमा तकुलून मा ला तफअलून कबुर मक्तन इंडल्लाहि अन तकुलू मा ला तफअलून ऐ ईमान वालों ऐसी बातें क्यों कहते हो जिन पर तुम्हारा अमल नहीं होता अल्लाह के नजदीक यह बड़ी नाराजगी की बात है बड़ी नापसंदीदगी की बात है अल्लाह नाराज़ होता है इस बात से कि आदमी ऐसी बातें लोगों को सिखाए जिस पर खुद अमल ना करता हो अल्लाह अकबर और इसकी शरह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत बयान की है उस रवायत को भी सुन लीजिए उसके रावी उसामा बिन जैद रज़ी तुह हैं सही बुखारी की रवायत है हदीस नंबर तीन हज़ार दो सौ सड़सठ है रावी हदीस उसामा बिन जैद रज़ील् तैन हैं वह बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिशात शरमाया किमत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा जहन्नम में जैसे उसको डाला जाएगा उसका पेट फट जाएगा अतनियाँ बाहर आ जाएंगी उनको लेकर वो जहन्नम में चक्कर काटेगा घूमेगा चक्कर काटेगा जैसे कि कोई गधा रहट के और चक्की के अंदर चक्कर लगाता है जब ये मंजर जहन्नमी देखेंगे व्याजम्नालही जहनमी उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और वह पहचानेंगे कि आदमी तो दुनिया में बड़ा दीनदार नजर आता था दुनिया में आदमी बड़ा पाकबाज नजर आता था दुनिया में आदमी बड़ा शरीफ नफस नजर आता था और हमको बुराइयों से रोकता था लोगों को नेकी की तालीम देता था इसकी दावत की वजह से इसके बयान की वजह से इसकी तकरीरों की वजह से कितने लोग जहन्नम से बच गए जन्नत के अंदर दाखिला उनको मिल गया और आज ये खुद जहन्नम के अंदर क्यों आ गया है जहन्नमी घेरेंगे उसको और जब घेर लेंगे तो उससे पूछेंगे माँ शाह तेरी ये हालत क्यों बनी है तू तो इस हालत को क्यों पहुँचा है अल सकुन दता मरन्ना व वतनहा अनिल मुनकर क्या तू हमें भलाइयों का हुक्म नहीं देता था क्या तू हमें बुराइयों से नहीं रोकता था वह आदमी कहेगा कुल तो अमर उकुम बिलमारूफ वाला आती वनहा तुम अनिशर व आती अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया वो आदमी कहेगा मैं लोगों को या तुमको भलाइयों का हुक्म तो दिया करता था लेकिन खुद भलाई नहीं करता था मैं तुम्हें कहता था फजर की नमाज की पाबंदी करो नमाजों की हिफाजत करो मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता था मैं कहता था बेहयाई से दूर रहो मैं खुद तन्हाई में गुनाहों का इर्तिकाब किया करता था मैं लोगों से कहता था बंदों के हकूक़ अदा करो और मैं लोगों के हकूक़ पर अमाल किया करता था अल्लाह अकबर वह आदमी करार करेगा कि मैं तुमको भलाइयों का हुक्म देता था लेकिन खुद उन भलाई की बातों पर अमल नहीं करता था मैं तुमको बुरे कामों से रोकता था और उन कामों से मैं खुद बाज नहीं आता था अल्लाह अकबर आज के इस दौर में अगर हम लोग जो दीन का काम करते हैं दावत का काम करते हैं और वह सारे लोग जो सोशल मीडिया पर लोगों को इस्लाम का पैगाम पेश करते हैं हम सबको अपना जायज़ा लेना चाहिए अपना एहत करना चाहिए और अल्लाह से रोना चाहिए अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करना चाहिए कि अल्लाह हमसे ऐसी कोई कोताही हो रही तो माफ़ फरमा इस तरह का जुर्म हमसे अगर हो रहा है तो अल्लाह रब्लम तुम्हारी तो इस्लाह फरमा दे ताकि हम क्यामत के दिन जलील ना हो सकें अल्लाह रब्लम जो कुछ हम लोगों को सिखा रहे हैं जिन बातों की हम लोगों को तालीम दे रहे हैं भलाई के जो बातें लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं रब्बुल आलमीन हमें सबसे पहले उन पर अमल करने की तोफी फरमा और जिन मुनकरा से और गलत बातों से हम लोगों को रोकते हैं अल्लाह हमें सबसे पहले उनसे बचने की तोफीक़ी फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा अमीन वसल नबी करीम अम्म व बरकातहू